नमस्कार दोस्तों दोस्तों कुल्थी का दाल एकमात्र ऐसा दाल है जो कि हर व्यक्ति को पता होता है कि ये हमारी पथरी की समस्या को खत्म करेगा। लेकिन दोस्तों इसके अनजान फायदे यानी कि कुछ अलग तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कुल्थी के दाल के साथ और दो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करूँगा, और अगर आप इसका इस्तेमाल करके अपने तरह से 10 दिन में पथरी को ख़त्म करते हैं तो इस दो इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद से आपकी पथरी बिल्कुल 5 दिन से कम में ही ख़त्म हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल आपको मेरे बताए अनुसार ही करना होगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जानकारी को जानेंगे हम लोग बिल्कुल विस्तार से कि आखिर किस प्रकार से हम इसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले पंसारी की दुकान से लेकर आना होगा कुल्थी के दाल को। अगर आपकी पथरी की साइज 10 mm से बड़ी है तो उसमें समय लगेगा। आप 10 mm से कम की पथरी को इस कुल्थी के दाल से बहुत ही जल्द निकाल सकेंगे। यहाँ पर आपको लेना है कुल्थी का दाल और इसके बाद से आपको लेना होगा 1 glass की मात्रा में पानी। आप बिल्कुल नॉर्मल पानी लें, सादा पानी जो कि आप अपने घरों में भोजन में इस्तेमाल करते हैं। उस पानी में आप लगभग मुट्ठी भर इस कुल्थी के दाल को इस पानी में ऐड कर लें। ऐड करने के बाद से आपको इसे ढक करके और रख देना है। दोस्तों इसे आपको पानी में भिगोना होगा रात्रि में। सुबह उठें तो आप इसे एक खाली बर्तन में छान लें। छानने के बाद से आपको दाल अलग हो जाएगा और ये जो पानी है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होगा दोनों का, दाल का भी इस्तेमाल करना है और पानी का भी इस्तेमाल करना है। सिर्फ अंतर इतना रखना है कि पानी में आप सबसे पहले आधी कटी नींबू, आप ये जो नींबू वीडियो में देख रहे हैं इसी नींबू का इस्तेमाल आपको करना होगा। आधी कटी नींबू को इस पानी में ऐड कर लें। नींबू को पानी में ऐड करने के बाद से आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नमक जैसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो नमक जैसी चीज़ ही जा करके हमारी पथरी की साइज को और भी ज़्यादा इनक्रीज करती है, आपकी पथरी की साइज को बढ़ाती है। आप इसमें एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों छोटी इलायची। छोटी इलायची को आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें पानी में डाल देना है। पानी में डालने के बाद से आप छोटी इलायची को ना तो चबाएं और ना ही उसमें छोड़ दें। फिर आपको उस छोटी इलायची को निकाल करके बाहर रख देना है और उसके बाद से आपको इस पानी को पी जाना है और जो दाल भिगोया हुआ आपने बाहर रखा है उसे चबा करके खा जाना है। अगर आप मेरे बताए अनुसार लगातार 15 दिनों तक इसका इस्तेमाल सुबह खाली पेट करते हैं तो आप अपने कैसी भी पथरी की समस्या को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकेंगे। दोस्तों अगर आपकी पथरी किडनी में है यानी कि गुर्दे में है तो ये पथरी बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकता है। लेकिन वहीं अगर आपकी पथरी पित्त की थैली में है तो इसमें 20 दिन टाइम लगेगा, लेकिन वो भी निकल जरूर जाएगा। इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का सावधानी रखना है, जैसे कि आपको एक दिन में कम से कम 5 से 7 लीटर तक पानी पी जाना है। उसके बाद आप तले भुने चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, मिर्च मसालों का सेवन बिल्कुल ही बंद कर देना है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने पथरी की समस्या से बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।